सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 4 टैबलेट्स अंडर 40,000, जहां पे हम लोग सारे के सारे टैब्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ उसमें सबसे बेस्ट टैब आपके लिए कौन सा होगा वो भी हम जानेंगे। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे दोस्तों आज हमारे पहली बार टैब की लिस्ट में कोई भी चाइनीज ब्रांड का टैब्स नहीं है। यहाँ पे हमारे लिस्ट में सिर्फ दो ही ब्रांड का टैब है, एक एप्पल एक सैमसंग, दोनों ही कमाल के ब्रांड्स का यहाँ टैब हम लेके आए थी 40,000 के बजट सेगमेंट में। जहाँ पे जो हमारे चौथे नंबर पे हमारा टैबलेट है वो है एप्पल का आईपैड मिनी। जहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 7.9 इंच का रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद ट्रू टोन, तो मतलब आपको काफ़ी अच्छा क्रिस्प कलर्स देखने को मिल जाएगा इसी डिस्प्ले में। डिस्प्ले का साइज थोड़ा छोटा जिसके कारण हमारे चौथे नंबर पे है और इसमें आपको कोई भी 4G सिम का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ वाईफाई का ही सपोर्ट है, तो सिर्फ आप वाईफाई के थ्रू ही इस टैब को यूज कर पाओगे। जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे देगा आपका वीडियो कॉल के लिए, ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए। जहां पे इसमें आपको मिल जाएगा एप्पल का ही A12 बायोनिक चिप जो आपको काफी कमाल का परफॉर्मेंस दे देगा इसी टैब में और बहुत सारा मल्टीटास्किंग आप इस टैब में कर सकते हो। जहां पे इसमें आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। जहां पे बैटरी के बारे में बात करें तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप भी इस टैब में देखने को मिल जाएगा जो टैब के हिसाब से यहां पे आपको काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ में इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, फिर जाके इसमें स्टीरियो स्पीकर भी अवेलेबल है, तो मतलब जो आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल है यहाँ पे एप्पल की तरफ से देखने को मिल जाएगा। फिर जाके एप्पल जैसे ब्रांड की तरफ से आता है तो ऑब्वियसली जो बिल्ड क्वालिटी होने वाला है और जो आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस मिलने वाला है बहुत ज़्यादा कमाल यहाँ देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे एप्पल पेंसिल का भी सपोर्ट है बट वो आपको अलग से परचेस करना होगा। जहाँ पे इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 32,900 रुपीज़ में आपको टैब देखने को मिल जाएगा और इस बजट में यहाँ पे एप्पल ने काफ़ी अच्छा कुछ आपको पैकेज दे दिया है। डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा है तो अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप हमारे लिस्ट के आगे के टैब्स को देख सकते हो। जहाँ पे इसका जो हमारा तीसरा नंबर पर टैब है वो सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e है। जहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10.5 इंच का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कमाल का आपको यहाँ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से और ये हमारे लिस्ट का सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको इसी टैब में देखने को मिलता है। तो अगर आपको एकदम बड़ा डिस्प्ले चाहिए टैब में तो फिर आपको इसी टैब में जाना चाहिए। जहाँ पे ये वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट है तो आपका सिम लगाने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो अगेन आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे देगा। जहाँ पे आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो आपको काफ़ी सफिशियंट परफॉर्मेंस भी दे देगा इसी टैब में। इसमें आपको एंड्रॉइड 9 देखने को मिल जाएगा पहले से। जहाँ पे इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जिसको आप SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो, तो वो काफ़ी कमाल बात है। जहाँ पे इसमें बहुत बड़ी बैटरी 7040mAh का आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप दे देगा। और उसके साथ में इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, क्वाड स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ में। जहाँ पे इसमें जो स्पीकर्स लगे वो है AKG के तरफ से, तो मतलब साउंड क्वालिटी भी इस टैब में काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है। फिर एक बड़ा डिस्प्ले भी है तो आप कंटेंट कंजम्पशन भी इस टैब में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। जहाँ पे इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 34,999 यानी 35,000 रुपीज़ में आपको टैब देखने को मिल जाएगा और ये इस बजट में आपको काफ़ी कमाल पैकेज दे देता है सैमसंग की तरफ से। जहाँ पे इसको नंबर दिया हमारे दूसरे नंबर वाले टैब पे जो है एप्पल आईपैड 8 जनरेशन। जहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 10.2 इंच का रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है एप्पल की तरफ से। जहाँ पे ये सिर्फ वाईफाई वेरियंट है, आपको कोई भी 4G सिम का गेन यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट 4G वाला वेरियंट भी अवेलेबल है बट उसका प्राइस 40,000 के ऊपर चला जाता है, तो अगर आपका बजट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। जहाँ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और सिर्फ 1.2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, बट मेगापिक्सल में मत जाओ, यहाँ पे एप्पल का कैमरा आपको एक अच्छा सही क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसमें आपको अगेन A12 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा एप्पल की तरफ से जो आपको काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दे देगा इसी टैब में। उसके साथ आपको यहाँ पे 128GB स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे स्टोरेज एक्सपेंशन का तो ऑप्शन नहीं है बट तो भी आपको ये हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसी टैब में देखने को मिलेगा, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इसी टैब में जा सकते हो। जहाँ पे एप्पल की तरफ से है तो ऑब्वियसली
बिल्ड क्वालिटी हो गया, जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें भी आपको 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, स्टीरियो स्पीकर भी आपको इस टैब में भी देखने को मिल जाता है, और अगेन यहाँ पे भी एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है, बट वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। जहाँ पे इस टैब के प्राइस के बारे में बात करें तो 37,900 रुपीज में टैब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस बजट में अगेन यहाँ पे एप्पल ने काफी कुछ कमाल पैक कर दिया है। यहाँ पे इससे पहले मैंने जो आपको एप्पल का एक टैब बताया उसमें और इसमें कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट डिस्प्ले साइज का फर्क है और इसमें जो सेल्फी कैमरा उसी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वरना एज सच कोई और डिफरेंस दोनों टैब में देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर आपको एक एप्पल जैसे ब्रांड का टैब लेना है और एक बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए। जहाँ पे कदम बढ़ते हैं फाइनली हमारा नंबर वन टैब पे जो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट। जहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको 10.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, Wi-Fi प्लस 4G दोनों का सपोर्ट है, तो आप एक 4G सिम भी यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जहाँ पे इसमें आपको सैमसंग का ही एक्सोनॉस 9611 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा इसी टैब में। फिर उसके साथ में आपको यहाँ 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 1TB तक एक्सपैंड कर सकते हो SD कार्ड के थ्रू। फिर जाके इसमें आपको अगेन सैमसंग की एक बहुत बड़ी बैटरी 7040mAh का देखने को मिल जाएगा, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप दे देगा। उसके साथ आपको यहाँ पे भी डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है AKG की तरफ से डॉल्बी ऑडियो के साथ में, तो काफ़ी कमाल ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको S पेन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इसको आपको अलग से पैसा देके खरीदना नहीं होगा, या आपको टैब के साथ ही इन द बॉक्स देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल बात है, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। और इस S पेन के कारण ही ये टैब बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। यहाँ पे टैब आपका S पेन के साथ में आपको काफ़ी कमाल फीचर्स दे देता है, और उसके साथ में पैकेज भी सैमसंग की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल है। जब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 31,999 यानी 32,000 रुपये में ये आपको पूरा पैकेज सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और इसका जो S पेन है और बड़ा डिस्प्ले है, फिर जाके इसका जो प्रोसेसर, कैमरा, डुअल स्पीकर सब मिला के इसका वैल्यू फॉर मनी बहुत कमाल हो जाता है, जिसके कारण हमारी लिस्ट के नंबर वन पोजीशन पे है, तो यही सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। पर अगर आपको उसके बाद भी एक iOS डिवाइस चाहिए, एप्पल की तरफ से चाहिए, तो आप iPads भी देख सकते हो, बट हमारा नंबर वन रिकमेंडेशन यही सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट हो जाता है। जहाँ पे यही सब थी पूरी कहानी इसी चारों टैब के बारे में 40,000 के बजट सेगमेंट के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स सारे के सारे टैब्स के बारे में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।